साथ ही व्यापारियों को सूचित किया गया है कि जो भी व्यापारी एक स्थान पर खड़े होकर व्यवसाय करते हुए पाए गए तो ठेला सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली जाएगी। हाथ ठेला व्यापारी सिर्फ रहवासी क्षेत्रों में घूम फिर कर अपनी सब्जी, फ्रूट एवं अन्य वस्तुएं विक्रय कर सकते हैं। जो भी हाथ ठेला चालक व्यवसायिक क्षेत्रों में या सड़क के किनारे खड़े होकर व्यवसाय करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ठेले की सामग्री सहित ठेले को भी राजसात कर लिया जाएगा। ऐसा है देखिए कि इस शहर में ठेला और गुमटी का बिल्कुल विधिवत तरीके से निराकरण कर दिया गया था। ठेला कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा इसका निर्धारण था, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो स्थिति ये है कि अभी शहर में कहीं भी ठेला वाला खड़ा हुआ है, और इसलिए जनहित में कलेक्टर साहब ने एक निर्णय लिया है, कल एक आदेश जारी किया है कि ये जो ठेले वाले हैं ये व्यावसायिक क्षेत्र में व्यापार न करके रहवासी क्षेत्रों में जाएं और हॉकर्स की तरह वहाँ आवाज़ लगा कर जैसे सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं उस तरह से ये लोग व्यापार करें रहवासी क्षेत्रों में, जो भी कॉलोनियाँ हैं या आवासीय बस्तियाँ हैं।